Hello you all, I am back with another Adobe Muse video tutorial. In this tutorial I am going to show you how to connect the social media icon to the website, and also I am going to show you how to give an effect on it. So let's get started. Now you have to Muse open kar lena hai. Muse open karne ke baad main same project pe continue karta hun. Aur mujhe kya karna hai, yahan pe theme mein social media logo main iske andar इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया आइकन इंपोर्ट करवा लेता हूँ। मैं सिंपली ड्रैग कर लेता हूँ इसको, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ। आपको जितनी साइज चाहिए उतनी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे तीन सोशल मीडिया लोगो मेरी आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैं इसे सही जगह पे रख देता हूँ। मुझे रखना है इस जगह पे, ना मुझे ज़्यादा बॉर्डर चाहिए ना ये चाहिए, मुझे इस जगह पे चाहिए, ठीक है, हाफ में। अब मैं क्या करता हूँ, इसे पिन कर देता हूँ। ये पिन हो गए। अब क्या करना है आपको, एक एक करके इन लोगों को कनेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कनेक्ट करने वाला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसमें आप लोग इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि आपकी रोल ओवर पे ये किस टाइप के आइकन दिखाई दे वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसे सोशल लोगों से। एक एक पे क्लिक करना है, और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड और फिल्टर लिंक्स। इस पर आपको कोई जो लिंक से इसको कनेक्ट करवाना है उस लिंक की एड्रेस इस पर आपको डाल देना है। जैसे कि ये है इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ पर सिंपली डालूंगा instagram.com, इस पर आपको एंटर कर देना है। तो अब ये लिंक इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो गई। इसी तरह आपको सेम फेसबुक और ट्विटर के भी कर लेनी है। तो इस तरीके से आपकी सारी सोशल मीडिया आइकन वो अपने वेबसाइट से कनेक्ट हो गए। अगर आपको करना है कि जैसे कि इंस्टाग्राम को आपकी प्रोफाइल खोलनी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम के साइड में स्लैश करके जो आपकी यहाँ पे URL होगी आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। तो इस पर क्या होगा कि आप इस पर क्लिक करते ही वो आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल है। अब आपको मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर ये हैंड का निशान आ गया है पॉइंट का। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको इंस्टाग्राम वेबसाइट इसने खोल के दे दिया है यहाँ पे। तो मुझे चाहिए कि ये वेबसाइट जो है न्यू टैब में खुले, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ इसे। क्लिक करना है मुझे इस पर, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हाइपर लिंक पर क्लिक करना है और इसे चेक कर देना है, ओपन द लिंक इन ए न्यू विंडो और टैब। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, पेज एंड प्रीव्यू फिर से कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें हुआ क्या। ये देखिए आपकी न्यू विंडो पे, न्यू टैब पे ये खुल गई। इसी तरह आपको सेम इस सबकी भी कर लेनी है। मैं इस सबको भी चेक कर लेता हूँ, सारे न्यू में हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इफेक्ट की तरफ, इसमें आप लोग इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तीनों को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ। नॉर्मल पर मुझे इफेक्ट में चेंज करता हूँ, इसके नॉर्मल पे मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं सिंपली कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लैक। वो देखिए इससे शेडो आ रही है, मींस ग्लो हो रहा है। तो मुझे क्या किया, ग्लो नहीं चाहिए, मुझे इसकी ओपेसिटी 100% करता हूँ। और जो ब्लर है, ब्लर को मैं देता हूँ 250 इसकी फुल ब्लर है, मैं 250 करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसे ग्लो की जगह पर मैं इनर ग्लो कर देता हूँ। ये देखिए मेरे सारे आइकन ब्लैक हो गए। अब मैं क्या करूँगा, रोल ओवर पर मैं इससे सारे इफेक्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। रोल ओवर में मुझे क्या चाहिए, इनर ग्लो नहीं चाहिए और ना ही मुझे ग्लो चाहिए। अब क्या होगा, फिर प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखिए सारे आइकन ब्लैक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर माउस लेके जाऊँगा, तो ये देखिए ये ओरिजिनल कलर पे यहाँ दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इफेक्ट दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, प्लीज़। जय हिंद।